बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। पहले मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला ओडीआई मुकाबला। पहले मुकाबले में संजू सैमसन को जगह नहीं मिली, लेकिन सूर्य कुमार यादव संजू सैमसन पहले मुकाबले में बन गए। वो कैसे बन गए और क्यों संजू सैमसन की जर्सी पहनकर पहले मुकाबले में उतर गए, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। साथ ही जर्सी के पीछे की पूरी कहानी आपको मिलेगी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। पहला ओडीआई मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया, जिसमें भारत ने मुकाबले को आसानी से जीत लिया। आसानी से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रन बहुत ज्यादा नहीं थे, वरना मुश्किलें तो हुई थी टीम इंडिया के लिए। लेकिन वहां पर जिस तरीके से पारी थी, ईशान ने जबरदस्त पारी खेली, पर सवाल था शुरुआत में टॉस के वक्त जब भारतीय टीम में संजू सैमसन वहां पर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, ऐसे में लोगों ने सवाल उठाए कि उनको क्यों जगह नहीं दी गई। उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को दिया गया मौका, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन मैच के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई कि लोगों को संजू सैमसन याद आ गए। दरअसल जो जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे थे सूर्य कुमार यादव, वो संजू सैमसन की थी। संजू सैमसन की जर्सी वहां पर उनके पीछे लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, और उसके पीछे की वजह यही थी कि संजू सैमसन से मैच से पहले सूर्य कुमार यादव ने जर्सी मांगी थी। क्यों मांगी थी वो आपको बता दें। दरअसल मुकाबले से पहले जो सूर्य कुमार यादव की जर्सी थी उसकी साइज में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। वो उनकी जो लार्ज साइज की उनकी जो जर्सी है वो उनको मिल गई थी मीडियम साइज की जर्सी, यानी कि उनकी जर्सी की जो फिटिंग सही नहीं थी। इसलिए सूर्य कुमार यादव को उन्हें संजू सैमसन से जर्सी की मांग की कि भाई मैं आपकी जर्सी पहनकर इस मुकाबले में खेल लेता हूं, तो उन्होंने इसकी इजाजत दे दी। बाकी सूर्या ने जिसकी मैनेजमेंट से भी शिकायत की, अब वो जो जर्सी की उन्होंने शिकायत की, वो दूसरे ओडीआई के बाद उनकी जर्सी भारत से वेस्टइंडीज पहुंचेगी, जहां पर जो भारत के जो बाकी के खिलाड़ी हैं, जो T20 मुकाबला खेलने वाले खिलाड़ी हैं, वो भारत से जब वहां पर जाएंगे तो वो जर्सी को लेकर जाएंगे, जो रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आ रही है। बल्कि तब तक जब तक जर्सी नई नहीं मिल जाती, तब तक सूर्य कुमार यादव को साथी खिलाड़ियों की ही जर्सी पहनकर खेलनी होगी। तो ये दिक्कत है, या तो फिर वो छोटी वाली जर्सी पहने जो उनकी साइज में दिक्कत आ रही है, जिसका सभी ने मीम भी बनाया, क्योंकि जो सूर्या ने फोटोशूट में जो जर्सी उन्होंने पहन रखी है वो थोड़ी सी उनके साइज की जर्सी नहीं है। तो असली वजह यह थी कि सूर्य कुमार यादव संजू सैमसन की जर्सी इसलिए पहनकर आए क्योंकि उनकी जो जर्सी थी वो छोटी पड़ गई थी, उनकी साइज में दिक्कत आ रही थी। लेकिन और सवाल ये भी था कि तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जो सैमसन लिखा हुआ है वहाँ पर वो टेप लगा दें। तो दरअसल ऐसा रूल कहता है, ऐसा नियम कहता है कि जो खिलाड़ी की जर्सी है उसमें आप टेपिंग नहीं कर सकते। इसीलिए मुकाबले के दौरान, बल्लेबाजी के दौरान, फील्डिंग के दौरान सूर्य कुमार यादव संजू बनकर मैदान में घूमते नजर आए। बल्कि फैंस लोगों को तो ये चीज़ें पसंद भी आई, लोग तो संजू सैमसन को मुकाबले में देखना चाह रहे थे, मुकाबले में नहीं देख पाए तो उनकी जर्सी के साथ सूर्या को देख लिए, सूर्या चल नहीं पाई अलग बात रही। बल्कि अब देखने वाली बात रहेगी कि जो दूसरा ओडीआई मुकाबला होता है, क्या वहाँ पर सूर्य कुमार यादव की जगह क्या संजू सैमसन आपको खेलते दिखाई देंगे, जिनकी जर्सी क्या वही फिर से मैदान पर दिखाई देंगे। आप लोग की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Let